पश्चिमिया न्यूज और आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। टीके से भैंस की मौत हो गई और पशुधन सहायक को बंधक बनाया गया है। उदयपुर के भिंडर ब्लॉक के नारायणपुरा गांव का ये घटनाक्रम है। आज सुबह पशुधन सहायक प्रेम मीणा ने भैंस को टीका लगाया था। पशुपालक रतनलाल डांगी की भैंस की टीका लगाने के 2 घंटे में मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने पशुधन सहायक को बुलाकर पकड़ दिया है। पिछले 3 घंटे से पशुधन सहायक को ग्रामीण छोड़ नहीं रहे। भैंस का पोस्टमार्टम कर मुआवजा दिलाने की मांग की जा रही है। 20 दिसंबर को सीकर में भी टीका लगाने से एक भैंस की मौत की सूचना मिली थी। इस दौरान क्लस्टर प्रभारी डॉक्टर अनिल काले सूचना के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे, न ही पशुपालन विभाग के आला अधिकारी बंधक को छुड़ाने के प्रयास कर रहे हैं। ये वाकई में एक चौंकाने वाली बात। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस गाँव की, जहां एक भैंस को टीका लगाया गया और टीका लगाने के 2 घंटे के बाद उसकी मौत हो गई। ऐसी घटना सीकर के अंदर भी हुई। कमाल की बात यह है कि जिस पशुपालक को बाकायदा यहां बंधक बनाया गया है, जिस अधिकारी को बंधक बनाया गया उसको छुड़ाने का ना तो पशुपालन विभाग कोई कोशिश कर रहा है और ना ही क्लस्टर प्रभारी मौके पर पहुंच रहे हैं। हम आपको सुनाते हैं जिस अधिकारी को बंधक बनाया गया है उससे हमारे सहयोगी काशीराम ने बातचीत की। बातचीत के दौरान वो अधिकारी क्या कुछ कह रहा है, सुनिए जरा। हेलो हेलो प्रेम शंकर जी, कौन? काशीराम चौधरी बोल रहा हूँ, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल जयपुर से। हाँ सर, ये क्या आपको क्या रोक रहा हुआ है ना ग्रामीणों ने? हाँ सर, यहाँ पे वो टीम की वो क्या है टीम की मांग की है कि वो जो अपने क्लस्टर प्रभारी है वो आएंगे तब ऐसा। अच्छा सर, क्या हुआ था 16 से बताइए ना मामला। सर वैक्सीन लगाई थी सुबह, मतलब एफएमडी पुटेन माउडी जी की जो चल रही है वो 10-11 बजे वैक्सीन लगाई थी। अच्छा, उसके बाद कुछ टाइम बाद इनका फोन आया तो मैं तो गए टैगिंग और वैक्सीनेशन कर रहा था तो मुझे इतना पता नहीं रहा। फिर बाद में मैंने जब ऑफिस रिटर्न कॉल किया तो इन्होंने बोला कि हमारे भैंस की डेथ हो गई। तो किसकी डेथ हुई है? मैं भैंस की, बफेलो। अच्छा भैंस की, ओके। हाँ बफेलो की डेथ हुई है। तो फिर मैंने जो हमारे साथ गया वो क्लस्टर प्रभारी भी नहीं है, जो टीम प्रभारी लगाए गए हैं जी 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 वो भी नहीं है, मैं ही हूँ। मेरे साथ एक और थे जो साथ ही टीम बगन बनाए हुए सावर मल जी। हाँ। वो थे, हम 2 जने थे। और जो अब टीम की मतलब उनसे जो क्लस्टर प्रभारी है उनको कॉल किया है 2-3 घंटे। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी काशीराम जुड़ गए। काशीराम, चौंकाने वाली बात ये नहीं कि ये घटना घटी है, चौंकाने वाली बात मेरे लिए ये कि पशुपालन विभाग के आला अधिकारी वहां पहुंचे नहीं रहे, बंधक को छुड़ाने नहीं पहुंच रहे, क्लस्टर प्रभारी जिसकी जिम्मेदारी है वो मौके पर नहीं पहुंच रहा। जी विजय, बिल्कुल। देखिए, प्रभारी की जिम्मेदारी होती है कि उनकी देखरेख में ही टीकाकरण किया जाए। वो कहता है जो टीकाकरण होता है वो पशु चिकित्सक ही करते हैं, पशुधन सहायक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती इसमें। वो उनकी देखरेख में टीका लगा सकते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन वो क्लस्टर प्रभारी न केवल टीका लगाने पहुंचे, बल्कि जब भैंस की मौत हो गई और उनको सूचना दे दी गई कि आपके जो कर्मचारी हैं पशुधन सहायक हैं प्रेम शंकर मीणा, उनको लोगों ने पकड़ा हुआ है, तो उनको छुड़ाने के लिए भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो टीके हैं उनकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले जब 20 दिसंबर को सीकर में भी इसी तरह का एक घटनाक्रम सामने आ रहा है, जैसे कि सूचना मिली थी कि वहां भी एक भैंस को टीका लगाने के बाद डेथ हुई है, और आज फिर ये टीका लगाने के 2 घंटे में भैंस की डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं जो एफएमडी की वैक्सीन है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्या प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है। और मानकों के साथ पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कितने पशुधन को ये टीका लग चुका है? जी देखिए, अभियान है अभी 3 दिन पहले ही शुरू हुआ है पूरे, और करीब 28 जिले हैं जिनमें की अभियान चल रहा है, जहां पर की पशुओं को खुरपका मुंहपका जो रोग होता है उसका टीके लगाए जा रहे हैं। तो उस दौरान जिन जिलों में लगाए जा रहे हैं वहां पर 2 जिलों में ये शिकायत सामने है, दूसरा घटनाक्रम है ये जहां पर की भैंस की डेथ हुई है। और अब जो ऐसी जानकारी मिल रही है कि पशुपालन विभाग के जो सचिव हैं उनके पास सूचना पहुंच चुकी है, तो संभवतया थोड़ी देर में पशुपालन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच सकते हैं, और उसके बाद ग्रामीणों से समझाइश के बाद जो भी इसका हल निकल सकता है, भैंस का पोस्टमार्टम कराने से संबंधित और मुआवजा दिलाने से संबंधित, वो अब निकलने की संभावना है। अच्छा काशीराम, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं उसमें जिस भैंस को टीका लगाया गया उसके एक सिंह के आसपास ब्लीडिंग है, क्या अमूमन इस तरीके से होता है?
देखिए आमतौर पर ऐसे टीका लगाने के बाद कोई हल्के माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डेथ होना एक बड़ा गंभीर मामला है। और इससे पहले भी एफएमडी टीकाकरण चूंकि हर बार किया जाता है और साल में दो बार किया जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही नॉर्मल बात है। और क्योंकि पशुपालन विभाग के कर्मचारी आते हैं और टीके लगाते हैं, तो ये एक सामान्य घटनाक्रम है, लेकिन इसमें डेथ होना बड़ी बात है। तो और तुरंत ही दो घंटे के अंदर ही डेथ होना एक बड़ी सवाल खड़े करता है कि टीकाकरण किस तरीके से किया जा रहा है और उसमें टीके की गुणवत्ता क्या है। तो इन सब बातों को लेकर जांच की जाने की जरूरत है। और पशुपालन विभाग के अधिकारियों की ये भी जिम्मेदारी है कि वो जो कर्मचारी जिसको ग्रामीणों ने पकड़ा हुआ है, हालांकि देखिए ग्रामीणों की भी गलती नहीं, उनका मांग भी जायज है कि जब भैंस की डेथ हुई है तो उसका पोस्टमार्टम भी होना चाहिए और उसको बकायदा मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। काशीराम शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।